हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूटर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम। एग्जांपल नंबर 12, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। बेटा देखो, ये कर रहा हूँ प्रूव मैं। देखो बेटा, लेट ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी ले लिया, डी डिवाइड ए, डी डिवाइड बी, देन ए इक्वल टू डी के वन, बी इक्वल टू डी के टू, और के वन के टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी क्या होगा बेटा, जैसे बेटा टू डिवाइड फोर, टू डिवाइड सिक्स, ये किस पे डिवाइड कर रहा है बेटा, टू पे, ये किस पे डिवाइड कर रहा है थ्री पे, टू थ्री का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा बेटा, देन बेटा देखो के वन के टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन, देन ए स्केयर बी स्केयर, बी राइट डी स्केयर के वन स्केयर d स्केयर k2 स्केयर, d स्केयर k1 स्केयर k2 स्केयर। बेटा आपको बताया ना मैंने, यदि k1 k2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो k1 स्केयर k2 स्केयर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 1, d स्केयर d किसके इक्वल है ab के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का स्केयर। नेक्स्ट, इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a, a, 4 is 2, b, 4 is 2, then prove that greatest common divisor of a plus b and 4 is 4. बेटा कैसे प्रूव करना, देखो a 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है तो नेचुरली क्लियर है बेटा a इवन ही होगा ना 2m, m क्या होगा ओड। अब ये बात है m ओड क्यों है बेटा मेरे पास, देखो बेटा यदि m में इवन रखा तो यहाँ पे 4, 4, 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2, 8, 8, 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन 4, यदि मैं यहाँ पे ओड रख रहा हूँ 2, ग्रेटर 2 आ रहा है, मैंने रखा 6, 2 आ रहा है, मैंने रखा 10, 2 आ रहा है बेटा, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन 2 बनेगा। ऐसे बेटा b 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है तो b को क्या लिख लिया मैंने 2m, n क्या है बेटा ओड, क्लियर है। मैंने क्या प्रूव करना बेटा, a प्लस बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a प्लस बी कॉम 4 इज 4, तो बेटा देखो a प्लस बी 2m प्लस 2m, 2m प्लस n, ओके m प्लस n क्या हो गया इवन, मैं लिख लिया 2t लिख लिया, क्या बन गया बेटा 4t, तो a प्लस बी 4, 4t 4, 4t 1, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हुआ 1, तो क्या आ गया बेटा 4, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नेक्स्ट 14, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 14, इसमें क्या प्रूव करना है बेटा, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 14 में मैं प्रूव कर रहा हूं, इफ ए ग्रेटर देन 1, एन इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी डिवाइड ए दी एन माइनस 1, बेटा ये प्रूव करना है, सॉरी प्रूव दैट ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, लेट सिंपल है बेटा बिल्कुल, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी, डी डिवाइड ए, डी डिवाइड बी, ओके बी किसको डिवाइड कर रहा है, डी बी को, बी इसको, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी डी डिवाइड ए दी पावर एन माइनस 1, यदि डी ए को डिवाइड कर रहा है तो डी ए की पावर एन को भी डिवाइड करेगा, जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 की पावर क्यूब के सभी को डिवाइड कर रहा है, तो डी इनकी सब्ट्रैक्शन वो क्या करेगा बेटा डिवाइड, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1, बिकॉज डी क्या है बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट 15, वो क्या है बेटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा पी एंड क्यू, वेयर पी इज ऑड, शो दैट टू द पी माइनस 1 टू दी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ओके लेट, मैंने बेटा 2 की p माइनस 1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या ले लिया t, d डिवाइड टू दी p माइनस 1, d डिवाइड टू दी क्यू प्लस 1, तो मैंने प्रूव क्या करना है बेटा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है,
तो टू दी पी माइनस वन क्या आ गया के वन डी, टू दी क्यू प्लस वन क्या आ गया के टू डी। क्लियर है बेटा पॉइंट। देन टू दी पावर पी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा के वन डी प्लस वन टू दी पावर क्यू के टू डी माइनस वन। तो मैंने प्रूव करना है बेटा इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, तो इसके लिए मैंने क्या किया दो बोथ साइड बेटा क्यू पावर ले ली बेटा के वन डी प्लस वन दी पावर क्यू बाय बाइनोमियल थ्योरम क्यू सी जीरो के वन डी की पावर क्यू क्यू सी वन के वन डी दी पावर क्यू माइनस वन क्यू सी क्यू माइनस वन के वन डी की पावर वन प्लस क्यू सी क्यू वन। तो एक चीज नोट करो बेटा इसमें से सभी से के क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, सॉरी डी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। मैंने क्या लिख लिया डी पी प्लस वन इस फॉर्म में लिख लिया बेटा मैंने, क्लियर है डी पी प्लस वन। इसके बाद ऐसे इसको बेटा टू की पावर पी सॉरी क्यू दी पावर पी ये क्या होना डी पी ना लिखो यहाँ पे बेटा पी तो है डी एस लिख लो यहाँ पे टी आ गया। तो इन बोथ साइड ये क्या बन गया बेटा टू दी पावर पी क्यू ये भी क्या बन गया टू की पावर पी क्यू। सो फर्स्ट एंड सेकेंड डी एस प्लस वन डी टी ओ सॉरी माइनस वन आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस वन। तो मेरे पास क्या होना डी टी माइनस वन डी एस माइनस टी इक्वल टू माइनस टू डी टी माइनस एस इक्वल टू टी। तो बेटा फ्रॉम दिस डी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा इसको ये किसके इक्वल है तो डी टू को क्या कर रहा है बेटा। तो बट एक पॉइंट नोट करो पी हमें क्या दिया हुआ है ओड, यदि पी ओड है तो टू दी पी माइनस वन क्या होगा बेटा ओड टू की क्यू प्लस वन भी क्या होगा ओड। यदि बोथ ओड है तो जो मैंने डी रखा है डी भी क्या होगा बेटा ओड, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा डी को कौन कौन से नंबर टू को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे वन और टू। पर आप नोट करो बेटा यदि पी ओड है आप रखो ओड वन टू की पावर वन माइनस वन वन थ्री एट माइनस वन सेवन। अब यहाँ पे देखो टू क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर वन क्यू प्लस वन थ्री टू रखा फोर प्लस वन फाइव तो ये ओड आ रहा है तो डी भी क्या होगा ओड, तो ओड क्या आएगी वैल्यू बेटा वन। ओके नेक्स्ट वीडियो बेटा लास्ट टू एग्जाम्पल रहेगी बुक रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।